6 एकड़ में नहीं, अब तो मेरे 8 एकड़ में हो गया है। अच्छा, और 1 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपए भी दूर नहीं है। मैं दूसरे देशों में तकनीकी देख करके आया हूँ, जैसे थाईलैंड में हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक तकनीक देख करके आया हूँ। अगर वो दौर यहाँ भी गवर्नमेंट चाहे यहाँ करवाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी दूर नहीं है। भेजा था वहाँ जो तकनीकी सीखी और उसको हमने यहाँ आकर के अपनाया। शुरू में एक पोली हाउस से चालू किया था और आज हमारे इस 4 किलोमीटर के दायरे में 400 से 500 पोली हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। किसान भाई, आज की इस वीडियो में आया हूं मैं राजस्थान जयपुर में एक किसान के गांव में। इन किसान भाइयों ने इस गांव के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी पैदा कर दी है, ये भारत का इजराइल कहा जाता है, ठीक है जी। इन्होंने पूरे गाँव को, इनका नाम है खेमाराम चौधरी जी, आपकी पूरी बात करवाएंगे। 6 एकड़ में 1 करोड़ रुपए किसान भाई कैसे कमाएगा, इन्होंने उसका मॉडल तैयार किया हुआ है। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इनके पास मात्र 18 बीघे ज़मीन है और ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने फॉर्चुनर गाड़ी खड़ी है। और इन्होंने अपनी भी तरक्की की और इस पूरे गाँव की इन्होंने तरक्की की है। अपने छोटे से गाँव को इन्होंने पूरा इजराइल बना दिया है, ठीक है जी। ये इनका मकान है, अपने खेतों पर इन्होंने मकान बनाया है। और ये देख लो, ये खड़ी है फॉर्चुनर, 18 बीघा के किसान के घर में फॉर्चुनर है और करोड़ों रुपए कमाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी बात करवाएंगे खेमाराम जी से। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो रहे हैं खेमाराम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए चलते चलते बातें करते हैं, वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे, एरिया बहुत लंबा है। सबसे पहले अपना नाम, गांव का नाम बता दें। मैं खेमाराम चौधरी, ग्राम गुड्डा कुमावतान जी, पोस्ट बोवास, जिला जयपुर। अच्छा 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 सर, हमें आप ये बताइए, इस मॉडल को क्या बोलते हैं जो आपने डेवलप किया है? ये ज़्यादातर तकनीक आधारित संरक्षित खेती बोलते हैं इसको। ये अच्छा। इजराइल की देन है जी। और राजस्थान सरकार ने मेरे को 2012 में इजराइल भेजा था और वहाँ जो तकनीकी सीखी और उसको हमने यहाँ आकर के अपनाया। शुरू में एक पोली हाउस से चालू किया था और आज हमारे इस 4 किलोमीटर के दायरे में 400 से 500 पोली हाउस लग चुके हैं। और इतनी ही मात्रा में अभी हमारे राजस्थान सरकार ने 200 पोली हाउस का और नया टारगेट दिया है। तो ये एक मिनी इजराइल से भी, अब मिनी इजराइल से बड़ा इजराइल मान करके चलो, मेरे हिसाब से अब इस टाइम पर इतना इजराइल में भी नहीं होगा, इतना इजराइल में भी नहीं होगा। हाँ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो फार्म पॉन्ड है, ये सरकार की योजनाएं होती है। ये एकल पॉन्ड भी होता है और समूह में भी पॉन्ड होता है। इसी में जो हम बरसात का पानी, जो ये छत के ऊपर का बरसात का पानी होता है, उसी को हम इकट्ठा करके इसी से हम बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हम जो अंदर फसलें हो रही है ना, वो हमारे इसमें पानी, अंडरग्राउंड पानी है ही नहीं हमारे, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, टीले हैं, यहाँ कोई पहचान नहीं थी। परंतु ये संरक्षित खेती, जो पोली हाउस नेट हाउस की जो खेती हो रही है अंदर, जो संरक्षित रूप से, वही सबसे बड़ा फायदा दे रही है। नहीं, आज से 10-12 साल पहले यहाँ के किसान भी जो परंपरागत खेती होती थी वही कर रहे थे, परंतु उसमें कोई अच्छा पैसा नहीं था जी। कभी कभार कब कुछ मिल जाता था, नहीं हर बार घाटे का सौदा ही होती थी। अच्छा अच्छा चौधरी साहब, हमने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे तो हम आप अपने आप को रोक नहीं पाए, हम भी 500 किलोमीटर चल के आए, पर ठीक है, किसानों का भला हो। तो आपने एक मॉडल तैयार किया है 6 एकड़ में 1 करोड़ रुपया। 6 एकड़ में नहीं, अब तो मेरे 8 एकड़ में हो गया है। अच्छा, और अच्छा, 1 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपए भी दूर नहीं है। मैं दूसरे देशों में तकनीकी देख करके आया हूँ, जैसे थाईलैंड में हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक तकनीक देख करके आया हूँ। अगर वो दौर यहाँ भी गवर्नमेंट चाहे यहाँ करवाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी दूर नहीं है। क्योंकि हमारा एक सपना था कि कभी कभार हम लाख रुपए देखेंगे, कि जब हम इजराइल में ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस टाइम पर हमारे को वहाँ 1 एकड़ से 20-25 लाख रुपए की इनकम बताई, तो हमने भी उस चीज़ को मजाक माना था। हमारे मंत्री जी ने ये कहा था कि इसमें रुपए थोड़ी लगते हैं, परंतु हकीकत में हमने यहाँ उतने, उनसे भी ज़्यादा पैसा ले लिया। इजराइल वाले सच बोल रहे थे, आज हम बोल रहे हैं, वो हमारे आसपास के गांव वालों ने सबने सच माना है। परंतु आप लोगों ने भी मेरे हिसाब से इस तकनीक को अपनाओगे तो आप भी इस चीज़ को 2 साल बाद में या 1 साल बाद में यही कहोगे कि खेमाराम जी सच बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे। चौधरी साहब, क्या तकनीक है ये, थोड़ा विस्तार से बताइए।
जो परंपरागत खेती है वो बाहर ओपन की खेती में होती है, और ये जो संरक्षित रूप हो गया ना, ये मतलब एक तरह से कवर्ड हो गया पूरा का पूरा, ना कभी धूप लगती है, ना गर्मी लगती है, ना पाले का प्रकोप होता है, ना आंधी का प्रकोप होता है, ना कीटों का प्रकोप होता है, ना किसी प्रकार की फंगस का प्रकोप होता है। एक तरफ से जैसे बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है ना, उस प्रकार की ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती है। ऑफ सीजन के अंदर ज़्यादातर हम ऑफ सीजन के अंदर खीरा और जो शिमला मिर्च लेते हैं, तो उसका जो मार्केट का ऑफ सीजन का बाजार कम से कम दुगना या तिगना बाजार बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर हम फसल बोते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर जो बिचौलिए जो व्यापारी होते हैं वही अपना पैसा दुगना मुनाफा करते हैं। तो इस टाइम पर हम जो किसानों को डायरेक्ट पैसा तकरीबन डेढ़ा दुगना या तिगना पैसा अभी हमारे को मार्केट भाव से मिल रहा है। अच्छा, वो मेरे को ही नहीं मिल रहा, हमारे ज़्यादातर इस मिनी इजराइल के सभी किसानों को मिल रहा है। अच्छा, लाइट की भी समस्या है, तो ये आपने सोलर पैनल वगैरह लगाए हैं? लाइट ही एक इस संरक्षित खेती को आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर ये सोलर भी नहीं आती ना, तो मेरे हिसाब से जितनी ये सक्सेस संरक्षित खेती हुई है उतना सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि सोलर और संरक्षित खेती का एक बहुत बड़ा जोड़ बना है। अगर ये नहीं होती तो हम जिस प्रकार से गर्मियों में फोगर चलाते हैं या टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम ह्यूमिडिटी बरकरार रखते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सारा का सारा काम हमारे सोलर से ही होता है। अगर सोलर नहीं होती तो ये संरक्षित खेती जितनी सक्सेस हुई है उतनी सक्सेस नहीं होती। अच्छा अच्छा, अब सर बात करते हैं, सरकार क्या मदद कर रही है इसमें? सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने आज से पहले बहुत अच्छा योगदान दिया है। राजस्थान सरकार ने 50% और 70% दो कैटेगरी के किसानों को सब्सिडी देती है। मतलब 70% अनुदान किसान के लिए बहुत बड़ा अनुदान होता है। अच्छा, अच्छा। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इसके टारगेट अब की बार खूब अच्छे दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु और ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वो पैसा मिल रहा है किसान को या देश को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पैदावार होगी तो देश में इनकम बढ़ेगी, किसान के पास में पैसा आएगा, किसान का भी मतलब इनकम बढ़ेगी और सरकार की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा देन है कि ये जो इजराइल एक छोटा सा देश था, इस तकनीक आधारित के कारण ही आज दुनिया वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। बिल्कुल फेमस। तो ये तकनीकी तो अपने इसी एरिया में नहीं, पूरे भारत को जरूरत है और भारत के हर किसान को इसमें घुसना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं भी नहीं घुसता तो आज ये मिनी इजराइल नहीं बनता। रिस्क थोड़ी सी लेनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैसा है इस संरक्षित खेती में। अच्छा, अब बात करते हैं सर, आपके पास अपनी पुरखों की कितनी जमीन है? हमारे पास में पुरखों की जमीन 4 हेक्टर जमीन मेरे पुरखों के। बीघे में बात करें तो बीघा 18 बीघा पक्की जमीन मेरे पास में मेरे हिस्से में आई है। अच्छा, और इस संरक्षित खेती करने से पहले मेरे पास में मेरे हिसाब से 10-20 लाख रुपए का कर्जा ही था पहले, परंतु शुरू में हमारे एक बैंक ने लोन दे करके हमारे को इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया था। अगर उस टाइम पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारा सहयोग नहीं दिया होता तो मेरे हिसाब से ये खेती भी उतनी सक्सेस नहीं होती, क्योंकि मैं लगाता ही नहीं जी जी। तो ये खेती बहुत अच्छी उभर करके आई है और इसमें सभी बैंकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि अगर संरक्षित खेती के टारगेट मिलते हैं और फिर किसान पैसे के चक्कर में अगर मायूस होता है ना, तो वो बड़ी दुख भरी खबर होती है। तो अपन इसी में अभी लोक लगा हुआ है। अच्छा, उसमें अच्छा, दूसरे में चल करके आते हैं। आओ थोड़ा सा उसमें चलते हैं, दूसरे में चले, इसमें आइए जी, बताते रहिए आपको। और अभी बैंकों के भी विश्वास बढ़ गया है कि हर बैंक आगे चला करके आ रहा है कि हमारे कोई भी संरक्षित खेती के टारगेट जो आ रहे हैं उनका लोन हमसे भी करवाइए। एक दौर तो ऐसा था कि जो मेरे बैंक जिसमें कैसी थी उन्होंने ही मना कर दिया था, और आज अच्छा पैसा देख करके सारे बैंक हमारे को ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे से भी लोन करवाइए। तो एक अच्छा संदेश गया है किसानों की तरफ से, नहीं तो किसान को कोई लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था। जी जी, तो मैं तो आपको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि देश का हर किसान, जितना हक हमारा है उतना ही हर किसान का हक बनता है, उसको भी अनुदान प्रक्रिया से फायदा मिले और वो भी जो हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा वो भी कमाए। अच्छा चौधरी साहब, हमारे यहाँ से जो 18 बीघे ज़मीन है ना, उसको थोड़ा छोटा किसान माना जाता है। नहीं सर, वो हमारे भी 18 बीघा ज़मीन वाला
पहले सोच थी कि एक कम जमीन वाला आदमी खेती क्या करेगा, 100-200-500 बीघा जमीन वाला ही खेती कर पाता है, परंतु ये जो ज्यादातर संरक्षित खेती इससे छोटे एरिया में सबसे ज्यादा सक्सेस हुई है आपके सामने। देखो ये अभी ये शुरुआत 5 रोज के बाद में शुरुआत हो जाएगी, देखो कितनी अच्छी फसल। खीरा है, ये खीरा है अभी आपको लगा हुआ खीरा जो टूट रहा है वो भी दिखाएंगे जी, जी। अभी ये 8 रोज बाद में चालू होगा। अच्छा। और सारा का सारा देखो ये टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, इसी को संरक्षित रूप कहते हैं क्योंकि ये माँ का गर्भ हो गया, इसमें आपको अभी थोड़ा सा गर्मी भी महसूस होगी, ह्यूमिडिटी भी महसूस होगी, सब कुछ इसमें मतलब अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल क्लाइमेट है और उसके हिसाब से ये जो खेती हो रही है बहुत अच्छी खेती हो रही है। अब हम दूसरे पोली हाउस में दिखा रहे हैं जिसमें हमारे अभी तुड़ाई हो रही है करे। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे को भगवान ने मेरे हिसाब से हमारी 7 पीढ़ियों ने भी नहीं मिला होगा उतना पैसा इस संरक्षित खेती। हमने देखा फॉर्च्यूनर खड़ी है। हाँ, किसान के घर का फॉर्च्यूनर, पैसा आता है ना तब भी सब कुछ होता है। फॉर्च्यूनर नहीं कभी हमने जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम शहर के अंदर प्लाट खरीद लेंगे, हमारे 500 वर्ग मीटर का एक अच्छी कॉलोनी के अंदर 1.25 करोड़ रुपए का हमने इसी खेती से कमा करके वहाँ जो भी केस के अंदर हमने प्लॉट खरीदा है, कुछ रावतवाटा हमने जमीन भी खरीदी है, यहाँ भी 2 करोड़ रुपए कमा करके इसमें लगाए हैं, तो बहुत अच्छी इनकम हो रही है। सब इस पोली हाउस से ही है? हाँ, सब सारा सब कुछ इस पोली हाउस से ही है जी। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एक काम करो जी। अच्छा, अब चौधरी साहब हमें आप ये बताओ, आप तो कामयाब हो गए, ठीक है, किसान, छोटा किसान, बेसिकली हमारे चैनल का मोटर रहता है छोटे किसान को कम उसमें कैसे कामयाब हो, किसान का लड़का, किसान जिसके पास में 1 या 2 बीघा से लेकर के 5 बीघा वाला जमीन वाला किसान ये समझता है कि मैं किसान नहीं हूँ, जबकि संरक्षित खेती में वही किसान ज़्यादा सक्सेस हुआ है। छोटी जमीन वाला लघु सीमांत छोटे काश्तकार की कैटेगरी में आता है तो उसको अनुदान भी 70% तक मिलता है, तो गवर्नमेंट से उसको लोन भी कम लेना पड़ता है। अच्छा, तो जो परंपरागत खेती, हम भी परंपरागत खेती कर रहे थे, परंतु परंपरागत खेती के बजाय हमारे जो उद्यान विभाग के अधिकारियों ने हमारे इस संरक्षित खेती के बारे में कुछ जानकारी दी, जो तकनीकी होती है, बूंद बूंद सिंचाई, पौंड बनाना, सौर पैनल लगाना, संरक्षित खेती से संरचनाएं हैं, उनसे संबंधित जानकारी हमारे को दिलवाई। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मेरे को इजराइल भेजा था और वहाँ से जो ये तकनीकी सीख करके हमने अपनाई और धीरे धीरे हमारे गांव वालों ने अपनाई, बहुत अच्छा संदेश गया और बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि छोटा किसान हो चाहे बड़ा हो, बड़े को भी अनुदान मिलता है और छोटे को भी मिलता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मेरी जिंदगी में या मेरे पुरखे पिछले 100 साल में भी इतना पैसा नहीं कमाया होगा जो हम इस 10-12 साल के पीरियड के अंदर 2012 में से लेकर के 2022 10 साल के टाइम से कोई सोच ही नहीं सकता। अगर इतनी पैदावार पूरे हिंदुस्तान में ये दौर चल जाए तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, सोच ही नहीं सकते कोई आदमी। किसान से बड़ा कोई राजा नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से किसान जो मतलब गलत धारणाएं धर रहे हैं ना कि किसान घाटे का सौदा है, अगर मेहनत करना चाहे, मेरी चीज आप देख रहे हो मैं अभी भी पूरा का पूरा पसीने में भीगा भीगा हुआ काम कर रहा था। आपके रिक्वेस्ट से मैंने आपके चैनल से कुछ मेरे द्वारा कुछ अगर किसानों का भला हो जाए, अगर वो करना चाहे, और अगर ट्रेनिंग भी, मैं ट्रेनिंग देता नहीं हूं परंतु जो भी किसान आकर के प्रैक्टिकल ज्ञान मेरे से अगर लेना चाहेंगे तो मैं तहे दिल से जो भी मेरे पास में ज्ञान है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और मैं भारत सरकार से यही कहूंगा कि अगर आप ये जो कई योजनाएं ऐसी है उन योजनाओं का दुरुपयोग होता है, उन योजनाओं को आप तकनीक आधारित संरक्षित खेती के टारगेट बढ़ा करके इस तकनीकी को अगर जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही किसान का भला भी होगा और देश का भला भी होगा और अपने राज्य का भला भी होगा जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये जो आपकी ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है? हाँ, हमारे कोई ट्रेनिंग का खर्चा नहीं लगता और जो भी किसान आता है हमारे कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, हमारे जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वही दिया जाता है। वो किताबी ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हो, आपको अगर इसमें खेती करना है आगे बढ़ना तो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, वो किसान के पास से ही मिल सकता है। वैज्ञानिक केवल किताबी ज्ञान देगा, प्रैक्टिकल ज्ञान तो हकीकत में जो किसानी कर रहा है वही किसान दे पाएगा। अच्छा सर, आपके हिसाब से कितने दिन में परफेक्ट हो जाएगा किसान अगर आए यहाँ पर?
अगर किसान आए तो मेरे हिसाब से एक महीने में वो तैयार हो जाएगा, पूरी जन नॉलेज जानकारी ले लेगा प्रैक्टिकल ज्ञान की। अच्छा, और आप उनको ये भी बता दोगे मतलब कैसे लोन वगैरह मिलता है? ये तो पूरे भारत में है, ये तो एक रोज में ही बता दूंगा। मतलब लोन लेना, संरक्षित खेती में घोषणा, कहाँ से सुविधाएं का फायदा लेना है, कहाँ आपको लोन करवाना है, किस अधिकारी से मिलना है, वो सारी तो मैं एक रोज में बता दूंगा उनको। अगर वो संरक्षित खेती में मेरी तरह अगर सफल होना चाहते हैं तो उनका ज्ञान भी मैं एक महीने में यहीं में प्रैक्टिकल करवा करके मेरे खेत के ऊपर या दूसरे जो भी किसान कर रहे हैं उनके खेत पे अगर वो सीखना चाहें तो उनको खाना दाना पानी और मिलेगा। हाँ, सही बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भला हो जाएगा हिंदुस्तान के किसानों के लिए। सही बात। अब खेमराज जी, अंत में हमें ये बताइए, यहाँ तो पानी की कमी है, जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, दिल्ली मुजफ्फरनगर मेरठ, वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ भी पौंड वगैरह बनाने पड़ते हैं इस टेक्नोलॉजी में? नहीं, पानी वहाँ जब पानी है तो पांड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो पानी ही नहीं है, हमारी तो हम तो बरसात के ऊपर ही निर्भर है। अंडरग्राउंड पानी खत्म हो गया बिल्कुल, है वो भी खराब है, एक दो नोजल किसी का पानी है ना तो वो बिल्कुल पानी खराब है, हमारे फसल के लायक पानी है ही नहीं। हम तो अभी एक तरह से क्रांति और झगड़ा हो रहा है कि अभी सब किसानों ने टैंकर बनवा लिए, जहां भी बरसात का पानी इकट्ठा होता है उसको मतलब अपने टैंकरों में भर भर करके अपने जो फार्म पॉन्ड बना रखे हैं उनमें लाला करके डालते हैं। हम देखते हुए आ रहे थे, मतलब कहीं पे पानी बाहर छोड़ते ही नहीं है, किसानों में एक नई क्रांति आई है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रांति लाना जरूरी है। तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा मेरे हिसाब से अगर किसान इसमें घुसना चाहेंगे। चलिए सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपने सुना खेमराज चौधरी जी को, उन्होंने अपना जीवन 18 बीघे खेती से बदला। ठीक है, और आप अगर इस खेती को करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप सर के पास आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया, कोई चार्ज वार्ज ये किसान से नहीं लेते, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो ही यहाँ आएँ, क्योंकि इनका टाइम भी इतना कोई फालतू नहीं है, कीमती टाइम है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।